सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, दंडासन में बैठ जाइए। सर्वप्रथम तीन बार ओम का नाद करेंगे, उसके बाद आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सो आंखें बंद कर लीजिए, मेरुदंड सीधा, एक लंबा गहरा सांस लीजिए। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ का रगड़ देंगे, गरम गरम हाथ की नब्बे आंखों को लगाएंगे। धीरे से आंखें खोल दीजिए। ओम सभी। आज हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम के विषय। कपालभाति प्राणायाम कैसे करना है, कितने समय तक करना है, उसकी सही विधि क्या होनी चाहिए, और किस रोग में हमें कौन सा प्राणायाम कितना करना चाहिए। सो कपालभाति प्राणायाम बहुत सरल प्राणायाम है, और इसको अगर हम सही ढंग से समझ लें, सही ढंग से करना जान जाएं, तो बहुत ही इंजॉयफुली, बहुत ही मनोरंजक ढंग से आप इसको कर सकते हैं। केवल और केवल आपको सांसों को झटके से बाहर छोड़ना है, अंदर लेने का प्रयास बिल्कुल ना करें। सांस अपने आप अंदर चले जाता है, श्वास प्रश्वास, और तेलुगु में शायद इसको श्वास निश्वास बोलते हैं। सो निश्वास जो है, प्रश्वास जो है, वो झटके से करना है, फोर्सफुली पर करना है, थोड़ा सा बल प्रयोग करते हुए करना है, और श्वास सरलता के साथ। अर्थात एक बार प्रैक्टिकल करके बताता हूं, आपको दिखाता हूं, देखिए। जिस प्रकार से घड़ी की सुई हर एक सेकंड में टिक 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 ऐसे करके चलती है, ऐसे ही हर एक सेकंड में आपका एक स्ट्रोक लगना चाहिए। अर्थात एक प्राणायाम की, कपालभाति प्राणायाम की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। एक सेकंड में एक बार यदि आप करते हैं तो एक मिनट में 60 बार हो जाता है, 5 मिनट में 300 बार और 10 मिनट में 600 बार। इस तरह से आप नित्य प्रतिदिन कम से कम 600 बार करके अपने जीवन को आरोग्य प्रदान कर सकते हैं, जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। परंतु यदि कोई विशेष रोग है, कोई बीमारी है, कुछ परेशानी है, जैसे कि किसी को सोरायसिस होता है, किसी को एक्जिमा होता है, है ना, किसी को ज्वाइंट पेन होता है, वात रोग है ना, आर्थराइटिस, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों में भिन्न भिन्न प्रकार की समयावधि में करना पड़ता है। जिस प्रकार से आप स्वस्थ हैं, युवा हैं,
आपको 10 मिनट बिल्कुल अगर इसको कर लेते हैं अर्थात 600 बार रोज कर लेते हैं तो आपको जीवन में कभी भी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, औषधि नहीं लेना पड़ेगा। परंतु यदि कोई बीमारी है तो कम से कम आपको 1500 बार करना पड़ेगा, और इसके लिए अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं तो 5-5 मिनट का 3 इंस्टॉलमेंट करके आप कर सकते हैं, 3 किस्तों में इसको कर सकते हैं, अर्थात 300 बार एक बार कीजिए, एक लगातार कीजिए, 300 बार करने के बाद थक गए थोड़ा सांस ले लीजिए 2-4 बार, फिर और 300 बार कीजिए, और इस तरह से 300, 300 और 300 अर्थात 900 बार अर्थात 15 मिनट आप शुगर या बीपी के लिए या सोराइसिस वगैरह है तो उसमें कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में जैसे कोई कैंसर है, लिकोडर्मा है, सफ़ेद दाग जो हो जाता है, इस प्रकार की अगर लाइलाज कोई बीमारी है उसमें आपको आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम अर्थात रोज आपको 1 घंटा अनिवार्य रूप से करना चाहिए। फिर से एक बार देखिए, जब हम सांस छोड़ते हैं सबको मालूम पड़ना चाहिए, जब हम सांस लेते हैं तो यहां तक कि हमें भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए हमने कब सांस ले लिया। जब भी आप कपालभाति करें आप मूलबंध लगा कर करें, मूलबंध अर्थात अपने गुदा द्वार को, अपने इनर एरिया को सक करके खींच के बैठें। जब उसको खींच के बैठेंगे और आप कपालभाति करेंगे तो आपका पेट अपने आप अंदर होगा, पेट अंदर खींचने की आवश्यकता नहीं है। पेट अंदर खींचेंगे आप जल्दी थक जाएंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, सांस लेंगे अपने आप पेट आपका अंदर होगा। देखिए बिना खींचे चेहरे पे कोई तनाव नहीं होना चाहिए। कई लोग आंखें सिकोड़ लेते हैं, है ना, मुंह पूरा बिगाड़ लेते हैं, कंधे उचका उचका के करते हैं, ऐसे करने से आप जल्दी थक जाएंगे और आप कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाएंगे अपने कार्य पे। एक बात, दूसरी बात कि जब भी आप कपालभाति करें तो पूरा ध्यान कपालभाति पे, अपने क्रिया पे, अपने कर्म पे, साथ में आप मानसिक रूप से आप चाहे तो ओम का जप कर सकते हैं या इसका प्राणायाम का मंत्र होता है, जैसे ओम 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 ओम। ओम भो ओम भो ओम स्व ओम म ओम जन ओम तप ओम सत्यम। ओम भो ओम भो ओम स्व ओम म ओम जन ओम तप ओम सत्यम। ओम शुरुआत में अगर आप थक जाते हैं तो 100-100 करके भी 5 मिनट बाद कर लें 500 बार, लेकिन पहले दिन कम से कम आप 500 बार अवश्य करें, है ना। 500 बार कर लेने से आपका ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा समय लगेगा। आप दूसरा कोई भी आसन मत करें, लेकिन 10 मिनट कपालभाति अर्थात 500 बार कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम अर्थात 50 बार कम से कम अनुलोम विलोम कर लें। तो 50 बार अनुलोम विलोम, 500 बार कपालभाति पहले दिन से प्रारंभ अगर करते हैं तो वो आधे घंटे का समय धीरे 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 ब्रेक कम होते जाएगा और आप देखेंगे कि आप 10 मिनट में आराम से 500 से 600 बार कपालभाति कर लेंगे। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आप और बीपी नहीं है साथ में, ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारा वजन तो बढ़ा है पर हमें ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, उच्च रक्तचाप नहीं होना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में आप इसको तीव्र गति में कर सकते हैं, द्रुत गति में कर सकते हैं अर्थात 60 की जगह 1 मिनट में 100 बार कर सकते हैं या 100 से 120 बार कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार तीव्र गति में भी आप कर सकते हैं। कपालभाति करने से आपको वो सारे लाभ मिल जाते हैं जो कठिन आसनों द्वारा आपको लाभ मिलते हैं, जैसे मयूरासन, शीर्षासन या कठिन व्यायाम करना। वजन कम करने के लिए आपको कठिन व्यायाम करना पड़ता है, पर मैं कहता हूं
द्रुत गति में आप 15 से 20 मिनट कपालभाती करके एक महीने में अपना वजन 4 से 5 किलो कम कर सकते हैं। सावधानी इस बात की होनी चाहिए, थोड़ा आहार विहार पे नियंत्रण रखें। सुबह का आहार जो है फल या सब्जियों का करें, कच्चा आहार करें, अन्न रहित आहार करें, अगर अन्न लेना है तो उसको अंकुरित करके लें। दोपहर के भोजन में सरल जो भारतीय सभ्यता अनुसार जो भोजन है, दाल चावल रोटी सब्जी, जो भी भोजन आप करना चाहें दोपहर का भोजन कर लीजिए। रात का भोजन जो भी आप भोजन करते हैं, यदि आप दो रोटी खा रहे हो तो उसका आधा कर दीजिए, एक रोटी खाना शुरू कर दीजिए। चार चपाती खा रहे हो दो चपाती कर दीजिए। चावल रात को नहीं खाना चाहिए। दही इत्यादि जितने भी सफेद वस्तुएं हैं, उजले कलर की जो वस्तुएं हैं, वो रात में नहीं लेना चाहिए। दूध या छाछ अगर लेना भी चाहें तो छाछ को गर्म करके हल्दी में ला के लें, दूध गर्म करके हल्दी में ला के लें। सोने से पहले दूध में हल्दी मिला करके अवश्य पिएं। दूध में हल्दी मिला करके पीने से भी आपका वजन कम होगा, शारीरिक पीड़ा कम होगी, वेदना कम होगी, कभी भी आपको क्लॉट्स नहीं आएंगे, आपको अकस्मात मृत्यु का कारण नहीं बनेगा, अर्थात हार्ट फेल होने का चांस नहीं रहेगा। अगर आप दूध नहीं पी सकते हैं तो थोड़ा गर्म पानी में हल्दी डाल के पिए। अगर हल्दी डाल के नहीं पीना पसंद करते हैं तो गर्म पानी अवश्य पिए सोने से पहले। कपालभाती के साथ यदि पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, ध्यान मुद्रा लगाएं। यदि शरीर में कहीं पीड़ा है, जॉइंट पेन है, वात रोग है, अर्थराइटिस है, वायु मुद्रा लगाएं। पहली उंगली को अंगूठे के मूल में लगा दें और इस तरह से हथेली को सीधा करके बैठ जाएं। यदि आपको जॉइंट पेन भी है और बीपी भी है, उच्च रक्तचाप है, तो क्या करें? वायु मुद्रा और अपान मुद्रा, ये दोनों का मिश्रित मुद्रा, जिसको संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं, अपान वायु मुद्रा है ना। ये दो बीच की दो उंगलियों को अंगूठे से लगा दिया तो ये अपान मुद्रा होती है, पहले उंगली को अंगुष्ठ के मूल से लगा दिया तो ये वायु मुद्रा होता है। अपान वायु इस तरह से लगा करके आप अगर कपालभाती प्राणायाम करते हैं तो आपका रक्तचाप भी नियंत्रण रहेगा, आपके वेंस में, आपके नर्व्स में, आपके नसों में कोई ब्लॉकेज नहीं आएंगे, रक्त के थक्के नहीं जमेंगे, आपको ज्वाइंट पेन नहीं होगा और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। नाक कान गले से संबंधित कोई रोग है तो शून्य मुद्रा लगा करके कपालभाती करें। यदि आप किसी तरह से अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं, शारीरिक विकास नहीं हुआ है, खासतौर से बच्चों बच्चियों को 14 से 16 साल वर्ष के बीच में हम देखते हैं कि उनका शारीरिक विकास ठीक से नहीं हुआ होता है, तो ऐसे में उनको पृथ्वी मुद्रा लगवा करके करें, है ना। रिंग फिंगर को, अनामिका को अंगूठे से लगा करके ऐसे बिठा दीजिए और 10 वर्ष तक के बालक को आप 5 मिनट करवाइए, 10 वर्ष से ऊपर है तो 10 मिनट करवाइए, असाध्य रोगों में 15 से 20 मिनट, आधा घंटा तक आप कपालभाती प्राणायाम करवा सकते हैं। यूरिन से संबंधित कोई समस्या है, फ्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, फ्रोस्टेट वीक हो गया है, यूट्रस ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको वर्ण मुद्रा लगा करके करने के लिए सलाह दे सकते हैं। वजन बढ़ा हुआ है, शक्ति मुद्रा या सूर्य मुद्रा, रिंग फिंगर को दबा लीजिए, अनामिका को दबा करके। और यहाँ पे क्या होता है भाई बहनों, ना कई बार हम अंगूठे को ऐसे लगा के बैठ जाते हैं, नहीं, इसको थोड़ा दबाना है, है ना। यहाँ पे हमको दबाव महसूस करना है और इस दबाव को महसूस करते हुए जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि असाध्य रोगों में अद्भुत लाभ होगा। अब हम बात करेंगे आसनों की। अगर आपका पाचन क्रिया ठीक नहीं है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वज्रासन में बैठ करके कपालभाती प्राणायाम करें। दोनों पैरों को पीछे की तरफ मोड़ करके घुटने को आपस में मिला लें और एक बार मैं पीछे के पैरों की स्थिति आपको बताना चाहूंगा।
पीछे से पैर के दोनों अंगूठे आपस में मिलेंगे, एड़िया बाहर की तरफ जाएगी और उसको गद्दी बना करके इस पे बैठना है। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, ये पीछे से। ठीक इसी चीज को जब हम सामने से बैठेंगे तो ऐसे घुटने मिल जाते हैं, दोनों हाथों पे ध्यान मुद्रा या जो भी मुद्रा आप लगाना चाहे लगा लें, और भाइयों बहनों इसमें एक सावधानी है कि यदि आपके घुटनों में दर्द है, घुटनों में दर्द होता है तो आप वज्रासन या पद्मासन ना लगाएं, लेकिन यदि दर्द नहीं है और आप वज्रासन में बैठ करके कपालभाति करते हैं तो जीवन में कभी भी घुटनों में आपको दर्द नहीं होगा, घुटने आपके खराब नहीं होंगे, आपका पाचन क्रिया इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि थोड़ा भी खाएंगे तो आपका शरीर वज्र की तरह फौलादी हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तंदुरुस्त रहेगा, आपको नींद अच्छे से आएगी, आप थकेंगे नहीं। कई लोग मुझसे पूछते हैं, आज ही एक मेरे मित्र पूछ रहे थे कि गुरु जी आप 10 बजे सो करके 2:30 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, इतने कम में नींद में कैसे हो जाता है, इसका राज क्या है? तो सर मैं यही बताना चाहूंगा कि इसका राज है प्राणायाम। ये प्राणायाम की शक्ति है कि आप अगर 1 घंटे प्राणायाम कर लेते हैं तो 4 घंटे सो करके निरंतर आप 20 घंटे तक भी बिना थके काम कर सकते हैं। लयबद्ध तरीके से करना है, जो भी आप गति निश्चित करें सुनिश्चित करें, जैसे कि आपको 1 मिनट में 20 बार करना है, 30 बार करना है, 40 बार करना है, 100 बार करना है, 120 बार करना है, जो भी आप निर्धारित करें उसको मेंटेन करने का प्रयास करें। कोशिश करें 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक हो। अगर आपको शुगर है, आजकल शुगर और बीपी अर्थात रक्तचाप और डायबिटीज, ये 2 बीमारियां आम हो गई है, तो इसमें मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि कपालभाति के साथ मंडूक आसन अवश्य करें, है ना। सो पहले मैंने सुखासन में करके बताया आपको, सिद्धासन सुखासन में बैठ करके आप करें, अदरवाइज अन्यथा वज्रासन में बैठ जाएं, और वज्रासन में ही बैठ करके अंगूठे को अंदर, उंगलियों को बाहर की तरफ से ऐसे मुट्ठी बना लें, पंच बना लें, और इसमें आप सामने से देखेंगे कि जैसे जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं उन लोगों को एट द रेट आपका सिंबल मालूम होगा, एट द रेट आपका सिंबल बन जाता है यहाँ पे, है ना, और आपकी नाभि जो है वो डॉट है, तो एट द रेट ऑफ डॉट एट द रेट ऑफ, है ना, अगर हम नाभि को डॉट समझ लें तो ये ऐसा होना चाहिए, या दूसरी भाषा में अगर बताऊं तो ऐसे पंच को मिला करके उंगलियों को आपस में ऐसे मिला दीजिए और छोटी उंगली बाहर की तरफ कर दीजिए, अंगूठा अंदर की तरफ नाभि के दोनों तरफ लगा दीजिए। सांस को अंदर पहले खींचेंगे, एक लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे और पेट को अंदर खींचते हुए सामने देखते हुए छाती को घुटने से लगा देंगे। अब यहां पे आपका नितंब, आपका बटक, आपके एंकल से लगा हुआ, आपके हिल से लगा हुआ, आपकी छाती, आपका चेस्ट, आपके नीच से लगे हुए, श्वास प्रश्वास सरल, ब्रीथिंग नॉर्मल, अपने मन में ही काउंट करना है कम से कम 30 सेकेंड, 1 मिनट कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस। अब इसी चीज को दूसरी तरफ से करके बता रहा हूं ताकि आपको पीछे से भी मालूम चल सके। ऐसे वज्रासन में बैठ गए,
फिर से पंच बनाया, मुट्ठियों को नाभि के दोनों तरफ रख दिया, लंबा गहरा सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचना है, सामने झुक जाइए, सामने देखिए, श्वास प्रश्वास सरल, सांस लेते रहना है और एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस। धीरे धीरे सांस लेते हुए पूर्व की स्थिति में आ जाइए। अब मंडूक आसन टाइप टू, प्रकार तो एक हाथ नाभि पे, दूसरा हाथ उस हाथ के ऊपर, फिर से एक बार लंबा गहरा सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने झुक जाएंगे, दृष्टि सामने की ओर, श्वास प्रश्वास सरल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन फोर्टीन थर्टीन ट्वेल्व इलेवन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन एंड ओ। धीरे से एक बार इनहेल एक्सहेल सर्क्यूल स्टमक एंड डाउन, योर ब्रीथ शुड नॉर्मल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन फोर्टीन थर्टीन ट्वेल्व इलेवन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। और धीरे से, तो इस प्रकार से अगर आप 20 मिनट का पालभाति और एक एक मिनट का, तो दोनों प्रकार के एक मिनट, पहला वाला प्रकार दूसरा प्रकार भी एक मिनट, ऐसे दो मिनट भी अगर आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि एक महीने के अंदर ही आपका शुगर लेवल बिल्कुल करीब करीब नॉर्मल के करीब आ जाएगा। जिसका बहुत ही बिगड़ा हुआ है तो तीन महीने, अन्यथा छः महीने में तो बिल्कुल आपकी दवा छूट जानी चाहिए। खान पान में थोड़ा कंट्रोल रखिए। अगर मंडूक आसन आप नहीं कर सकते, आपके घुटनों में दर्द है, तो आप इसकी जगह पे वक्रासन, है ना, वक्रासन दंड आसन में बैठ कर किया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों पैरों को सामने, दोनों हाथ पीछे की तरफ रख लीजिए, दोनों पैर के घुटने आपस में मिले हुए, और कई लोग मोटे होते हैं, कई लोग दुबले होते हैं, कोई लोग पतले होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल पैर को मोड़े। सरलतम से सरलतम आपको तरीका मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना पैर मोड़ते हुए अपने एड़ी को घुटने के बराबर लाना है। कीप योर हिल बिसाइड ऑफ योर नीज, ओके ना। उसके बाद क्या करना है, जो पैर मुड़ा है दूसरा हाथ, उसके दूसरी तरफ का हाथ, जैसे दाहिना पैर मुड़ा है तो बायां हाथ उठा करके ऊपर की तरफ मोड़ लीजिए। पैर नीचे की तरफ मुड़ा है, हाथ ऊपर की तरफ मुड़ेगा, और बाएं हाथ की कोहनी से दाहिने हाथ के घुटने को बाईं तरफ धक्का देना है और अपने शरीर को दाहिनी तरफ मोड़ना है, दाहिने कंधे को देखने का प्रयास करना है, और यहां पे भी अपने मन ही मन काउंट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से वापस। अब दूसरे पैर से, ध्यान रहे दाहिने पैर को मोड़ के अगर आप एक बार करते हैं तो बाएं पैर को भी मोड़ करके अवश्य करना है, क्योंकि एक बार दाहिने तरफ आपका शरीर घूमा है तो बाएं तरफ, जब दोनों तरफ होगा तभी बैलेंस होगा, तभी वो योग होगा, अन्यथा वियोग हो जाएगा। तो अब मैंने आपको बताया था कि घुटने तक अगर कर सकते हैं तो घुटने तक, अगर आप सक्षम हैं तो कोशिश कीजिए इसको थोड़ा और पीछे लाने के लिए। और अब बायां पैर मुड़ा है तो दाहिना हाथ ऊपर उठेगा, और पहले जैसा कि मैंने ऐसे बताया था ना, पहले इतना कीजिए बहन, फिर कोशिश कीजिए अपना पैर पकड़ने के लिए। अगर पैर पकड़ लेते हैं तो ठीक है, नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फिर थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए और कोशिश कीजिए इस पैर को उठा के दूसरी तरफ रख। अब दूसरी तरफ रख लिया तो इस पैर को छोड़ के इस घुटने को पकड़ लीजिए, और यहीं से शरीर को बाएं तरफ मोड़ते हुए बाएं कंधे को देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 12, 13, 14, 13, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14,
पूर्व की स्थिति में आती है, पैर सीधा। अब यदि आप सक्षम है तो पूर्ण रूप से दाहिने पैर को पूरी तरह से मोड़ लीजिए। अब ये जो तो दाहिना पैर है आपके जंघा में चिपक जाना चाहिए, नितंब को चिपक जाना चाहिए पूरी तरह, दोनों हाथ पीछे रहे। अब विपरीत दिशा का, जब दाहिना पैर मोड़ेंगे तो बाएं पैर, बाएं हाथ से, बाएं हाथ की कोहनी से इसको बाएं ओर धक्का देते हुए और कोशिश कीजिए कि बाएं पैर का घुटना ऐसे पकड़े, घुटना आराम से, जितना आराम से पकड़ेंगे उतना अच्छा है। और शरीर को दाहिने तरफ घुमाते हुए दाहिने कंधे को देखने का प्रयास करें, पूरा ध्यान आपके पेट पे। और भावना करना है, मन में अनुभव करना है कि मेरा पेनक्रियास दब रहा है, मेरा पेनक्रियास एक्टिवेट हो रहा है, मेरा शुगर कम हो रहा है, मेरे पेनक्रियास के में अंदर बीटा सेल ज़्यादा बन रहे हैं, इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है, मेरा शुगर कंट्रोल हो रहा है, मेरा डायबिटीज कंट्रोल हो रहा है। इस भावना के साथ जब आप कोई भी आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उसका आपको 100% लाभ मिलता है। छोड़ दीजिए। दूसरे पैसे, अब पहले दाहिना पैर मोड़ा था, अब बायां पैर पूरी तरह से मोड़ दीजिए। पूरी तरह से मोड़ करके दाहिने हाथ से बाएं घुटने को दाहिनी तरफ दबाते हुए शरीर को बाईं तरफ मोड़ना है और दाहिने घुटने को ठीक से पकड़ लीजिए। शरीर को बाईं तरफ ट्विस्ट कीजिए, बाएं कंधे को देखने का प्रयास कीजिए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, चौदह, तेरह, बारह, ग्यारह, दस, नौ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक,
धीरे से हाथ को घुटने से हटा दीजिए, दोनों पैर सीधे। अब थोड़ा कठिन आसन, चूंकि शुगर की बात कर रहे हैं, डायबिटीज की बात कर रहे हैं, तो उसमें उपयोगी जो एक और महत्वपूर्ण आसन है, जिसके नाम से गुरु गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्रनाथ विख्यात हुए, उनके नाम से यह आसन जाना जाता है अर्ध मच्छेंद्र आसन, है ना। इसके लिए पहले उल्टी तरफ से मैं बताता हूं, पीछे की तरफ से, कि हमको क्या करना है। सबसे पहले हमें बाई एड़ी के ऊपर बैठना है, बाई एड़ी के ऊपर बैठ करके दाहिने पैर को मोड़कर बाएं घुटने से क्रॉस करके दाहिनी तरफ रखना है। जैसे इसमें बैठने बैठे मैं टर्न होकर आपको इधर से बताता हूं कि बाएं एड़ी पे बैठ गए और दाहिने घुटने को बाएं घुटने के बाई तरफ रखना है। और इतना ही रखिए कि आपका घुटना आपके सामने रहे। अब दाहिने हाथ को पीछे रखेंगे, बाएं हाथ की कोहनी से दाहिने घुटने को दबाते हुए, जितना दबाएंगे उतना अच्छा है, और कोशिश करना है कि बाएं पैर के पंजे को ऐसे पकड़ लीजिए। अगर पूरा पंजा पकड़ेंगे तो ठीक है, अन्यथा है पहली उंगली पकड़ लीजिए, अंगूठे को पकड़ लीजिए पहली उंगली से, है ना। दोनों ही विधियां हैं, पहली उंगली से अंगूठा पकड़ लीजिए या पूरी तरह से पंजा पकड़ लीजिए। सांस बाहर छोड़ते हुए, पेट को अंदर खींचते हुए, शरीर को मरोड़ते हुए दाहिने तरफ ट्विस्ट कीजिए, बॉडी को मरोड़िए और पीछे की तरफ देखिए। 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे अगर संभव हो तो पीछे वाले हाथ को कमर पे रख लीजिए और इतना रखिए कि दाहिने हाथ से बायां नितंब छू सके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और धीरे से दूसरी तरफ से करके उठा। पहले मैं बाएं एड़ी पे बैठा था, अब दाहिनी एड़ी पे बैठ जाते हैं। दाहिनी एड़ी पे बैठ करके बाएं पैर को दाहिने घुटने के दाहिनी तरफ घुमा के रख लिया, दाहिने हाथ से बाएं घुटने को दाहिनी तरफ दबाते हुए बाएं पैर के पंजे को पकड़ लिया और अब दाहिना हाथ, बायां हाथ कमर के ऊपर, शरीर को बाएं तरफ मरोड़ेंगे और बाएं कंधे को देखने का प्रयास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और धीरे से बंधों को छोड़ दीजिए। मित्रों, किसी भी कठिन आसन को करने से पहले आप उसकी सरल स्थिति जो है, आप उसका आधा सोच लीजिए कि आज मैं आधा करूंगा और फिर उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। अभ्यास करते करते किसी भी आसन, कठिन से कठिन आसन को अगर आप निरंतर प्रयास करें, तो अगर महीने की पहली तारीख को आप अभ्यास करना स्टार्ट करते हैं तो 30 तारीख तक आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों से अपने कार्यक्रम को यहीं पे विराम देने का अनुरोध करना चाहूंगा। आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके प्रश्न मुझे बहुत सहयोग कर सकते हैं, सो कृपया आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।